रोहतक से खबर जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रोहतक से स्पीच की खबर जहां गांव के बाहर ड्रेन में एक महिला का शव मिला है। तीन गोलियां मारकर महिला की हत्या की गई, महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। रोहतक के मायना गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। महिला के देवर पर हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। पेरोल पर जेल से बाहर आया था महिला का देवर और शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। तो रोहतक से इस बीच ये जानकारी जहां महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गांव के बाहर ड्रेन में महिला का शव मिला है और शक जो है इसमें महिला के देवर पर है। तीन गोलियां मारकर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्षवर्धन, क्या जानकारी है, महिला के देवर पर फिलहाल शक जाहिर किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल शिवेंदु, आपको बताते कि सुबह की यह घटना एक 50 साल की महिला थी जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और महिला को जो है तीन गोलियां मारी गई हैं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और ये सारा का सारा वाकया जो है वो ड्रेन नंबर 8 के ऊपर हुआ है। मायना गांव से जो ड्रेन निकलती है उसके ऊपर ये वाकया हुआ है। और फिलहाल जो है इस मामले को लेकर के जो है महिला का जो देवर है कि महिला के उस वक्त भी शक थी और ये जो इसका देवर है वो पेट्रोल पर बाहर आया हुआ है। जी शिवंतु, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस और किसी दूसरे एंगल से भी देख रही है इस मामले को? देखिए फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि गोली मारकर हत्या तो की गई है लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से शक जाहिर किया है परिजनों उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है पूछताछ कर रही है उसके देवर से। अभी फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी शिवंतु, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन इस पर जानकारी के लिए।